खबर रीवा से है, जहां के संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में मधुमक्खियों ने अपना आतंक मचा रखा है। यहां का नजारा मधुमक्खी पालन केंद्र के जैसे दिखता है। इनकी वजह से आए दिन मरीजों और उनके परिजनों को, यहां के डॉक्टर और नर्सों के साथ ही स्टाफ को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रात के समय वार्डों में ये मंडराती रहती है। कभी कभी तो वार्ड में भर्ती मरीज भी इन मधुमक्खियों मधुमक्खियों का शिकार बन जाते हैं। प्रदेश के अस्पतालों में दूसरे नंबर का दर्जा पा चुका विंध्य का 800 बिस्तरों वाला संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय कहने को तो विंध्य का सबसे बड़ा अस्पताल है। इस अस्पताल में मधुमक्खियों के छत्ते इस कदर है, जिसे देख कर ये लगता है कि कोई अस्पताल नहीं बल्कि मधुमक्खी पालन केंद्र है। पिछले कई वर्षों से अस्पताल में इनके छत्ते लगे हैं। वही प्रबंधन की लापरवाही के चलते एक एक कर सैकड़ों छत्ते अस्पताल की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल में तैयार हो गए हैं। अब तो यहाँ इतने छत्ते हो चुके हैं कि यहाँ का नजारा किसी मधुमक्खी पालन केंद्र की तरह तब्दील हो चुका है। यहाँ पर आए दिन इनका आतंक रहता है। कभी तो ये मरीजों के परिजनों को काट लेती है, तो कभी यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों को। इनका आतंक इस कदर बढ़ चुका है कि वार्ड में भर्ती मरीजों को भी नहीं छोड़ती और इन्हें भी अपना शिकार बना लेती हैं। कई बार ये वार्ड में हमला कर चुकी हैं, जिससे मरीजों की जान पे भी बन चुकी है। दिन के समय तो ये मधुमक्खियां शांत रहती हैं, लेकिन रात के समय अस्पताल के वार्डों में ये मंडराना शुरू कर देती हैं। इनकी वजह से मरीजों के साथ ही अन्य लोग इस डर के साए में रहते हैं कि ये कहीं इन्हें काट ना ले। डर इस बात का है कि जिस तरह से मधुमक्खियों के छत्ते हैं, किसी ने अगर इन्हें छेड़ दिया तो ये कितना तांडव मचाएंगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। संजय गांधी अस्पताल की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल में मधुमक्खियों के ज्यादा छत्ते लगे हुए हैं। पूर्व में अस्पताल प्रबंधन छत्ते हटवाने का काम किया था, जिसके लिए बाकायदा टेंडर भी निकाला गया था। छत्ते तो निकाले गए, लेकिन पूरी तरह से उसे खत्म नहीं किए गए और यही वजह है कि छत्ते फिर से बढ़ते गए और काफी संख्या में हो गए हैं। वही लंबे समय से दोबारा इसे हटवाया भी नहीं गया और यही कारण है कि इनका प्रकोप फिर से बढ़ गया है। संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन इन मधुमक्खियों का आतंक अस्पताल में अभी भी जारी है। लोग अस्पताल के अंदर आने जाने से कतराते हैं, पर यहाँ आना जाना उनकी मजबूरी होती है। मरीजों के भर्ती शुल्क के साथ ही दूसरे शुल्क के नाम पर प्रतिदिन लाखों रुपए इकट्ठा होता है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर ठेंगा दिखाया जाता रहा है। इसका नतीजा ये है कि मधुमक्खियों के छत्ते कई वर्षों से अस्पताल में आतंक की तरह पनपते जा रहे हैं, पर इसे देखने वाला कोई नहीं है। चिकित्सक काफी परेशान है, मरीज के परिजन भी परेशान है। संजय गांधी अस्पताल 4-5 मंजिला इमारत है और बड़ी इमारतों में मधुमक्खियों का लग जाना कोई नई बात नहीं है। इसको समय समय पर हम लोग सफाई करवाते रहते हैं, निकलवाते रहते हैं छत्तों को। अभी कुछ माह से उससे संपर्क नहीं हो पाया, कोशिश की लेकिन वो कहीं मिला नहीं। प्राइवेट लोग हैं, काम करते हैं, तो इनसे संपर्क करने की कोशिश हो रही है। जल्दी ही हम उनको बुलवा के और वो सफाई करवा देंगे, ताकि गर्मी के समय में मरीजों के साथ साथ जो स्टाफ है उन्हें भी दिक्कत ना हो और ठीक ठाक हो जाएगा।